हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज मॉडल पेपर 1 को कवर करेंगे, जो फुल मॉक टेस्ट होगा, जो 100% में रहेंगे, बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर होंगे। ये काफ़ी अच्छे सेट हैं, मैंने बहुत जुगाड़ करके लाया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि ऐसे ही सेट आपको तैयारी करने होंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और जहाँ तक जितना मैं 1 से 20 टेस्ट सीखता हूँ वो तो बेहतरीन ही है, ये भी 10 टेस्ट आपको करके जाने होंगे एग्जाम के पहले। ओके, शुरुआत करने से पहले अगर कंप्लीट नोट्स 30 टेस्ट सीरीज ये सारे पेड होंगे आपको 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर आपको इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप मैंने कि कोई भी मैसेज गेन कर सकते हैं। और कितना प्राइसेस रखा गया है कितना आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चाहिए, वहाँ सारे आपको अवेलेबल होंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपका सही उत्तर होगा, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, हरी घास पर छन पर। बाकी जितनी भी अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। तो यहाँ से पहले नंबर जो प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। दूसरा प्रश्न जो है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो यहां से आपका 4 विकल्प में से विकल्प बी सही उत्तर होगा, नागार्जुन। नेक्स्ट है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, रंधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के सदर में कहा गया है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, प्रसाद के किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो विकल्प सी, कामायनी। फाइव नंबर प्रश्न जो है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस कृति के लिए मिला है? तो विकल्प ए हो जाएंगे, यामा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? तो विकल्प ए हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा, राम की शक्ति पूजा कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये बिल्कुल कथन असत्य है, बाकी सभी कथन जो है सत्य है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? विकल्प डी, पथिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित नहीं है? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? विकल्प डी, स्वतंत्रता प्राप्ति। नेक्स्ट है, पारुपन का अर्थ क्या है? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे, सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, रूपक अलंकार। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें
अनुप्रास अलंकार हैं, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। छंद शास्त्र ग्रंथ की रचयिता है विकल्प सी पिंगल। नेक्स्ट है बरवेज छंद है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। 16 नंबर जो प्रश्न में है, शांत रस का स्थायी भाव है, विकल्प सी निर्वेद। नेक्स्ट है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, विकल्प बी 8। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है, विकल्प सी प्रेरणा। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उसे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली सप्त शक्ति को क्या कहते हैं, विकल्प ए लक्षणा। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं, विकल्प बी प्लेटो। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। यह असत्य कथन है, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। ग्रीम नियम का संबंध किससे है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था, विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, विकल्प बी 344। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किससे स्वीकार किया गया है, विकल्प ए देवनागरी लिपि। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। देवनागरी लिपि को भी कहा जाता है लोक नागरिक लिपि, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, यह कथन किसका है, विकल्प डी भोलानाथ तिवारी। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, किस भाषाविद का मत है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। कुसुमाकर में समास है, विकल्प डी बहुव्रीही समास हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा, विकल्प ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुहावरे का अर्थ गलत है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी कान भरना, पीछे पीछे शिकायत करना, दांत का काटा काटी काटी रोटी, गहरी दोस्ती, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना, मुंह छिपाना, गायब हो जाना, ये गलत दिया हुआ है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है, विकल्प सी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीही समास का विकल्प है, श्वेतांबर, विकल्प सी हो जाएंगे। श्वेत हैं अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी,
दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? विकल्प डी पुत्र। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? विकल्प डी अपादान कारक। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में से कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। विकल्प बी होगा गुणवाचक विशेषण। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए हैं। विकल्प सी। नेक्स्ट है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो विकल्प हो जाएगा धातु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? विकल्प ए आप। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। विकल्प ए, विकल्प डी व। निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? विकल्प सी। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? विकल्प सी अरबी। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? विकल्प ए खिड़की। कान्हा शब्द कैसा है? तद्भव शब्द हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प ए त्वरित। नेक्स्ट जो है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है? विकल्प डी रंगभूमि। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? कृषक जीवन। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प सी फणीश्वरनाथ रेणु जी को। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न से कौन सा है? विकल्प डी बिहार। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प सी हो जाएंगे मोहन राकेश। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया है, किया था? तो विकल्प ए जानकी मंगल नाटक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं? विकल्प सी भारतेंदु हरिचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, ना कोई छोटा है ना बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक ही एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? विकल्प डी, विकल्प ए हो जाएंगे धूमिल हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे, बाकी सभी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माना जाता है? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, आगे को। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कभी हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियां किसकी है? विकल्प सी नागार्जुन की है। रमधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका
अवलंबन लेकर उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को कृति में उपस्थित किया है? विकल्प डी भीष्म और युधिष्ठिर का। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष किस यह उद्घोष है? विकल्प ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प सी लोकायतन। किस विधा की कृति है? विकल्प बी प्रबंध काव्य। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? विकल्प डी अनामिका। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट जो है, भारतेंदु हरिचंद ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? विकल्प बी स्वदेश प्रेम की ओर। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा का कवि है? विकल्प ए रीतिवत काव्यधारा। बिहारी ससय में कितने दोहे हैं? विकल्प बी 713 दोहे हैं। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? विकल्प डी दशम स्कंद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन है? विकल्प ए रसखान। नेक्स्ट है, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन से कृति कांडों में विभाजित नहीं है? विकल्प ए जानकी विकल्प ए पार्वती मंगल। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? विकल्प ए दास्य भाव। मोको कहाँ ढूंढो बंद मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? विकल्प ए कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? तो विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल जी का है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विकल्प बी कृति सिंह। नेक्स्ट है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी का है। रीतिकाल का समय था? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कंसा आदिकाल का समय है? विकल्प सी सही उत्तर होंगे। सनवत 1050 से 1375 विक्रमी। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? विकल्प डी हो जाएंगे, हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प हो जाएंगे प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं कहानी कब प्रकाशित हुई थी? विकल्प सी 1932 ईस्वी। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प बी हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी में शराबी ठाकुर का मन कैसे बदलता है? विकल्प सी कहानियां सुनाकर।
नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? विकल्प ए परिंदे। किस साहित्यकार ने परिंदे कहानी को हिंदी की नई कहानी की पहली कृति कहा है? विकल्प बी नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, परिंदे कहानी के अनुसार मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय किसने करवाया था? तो डॉक्टर मुखर्जी ने, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। मिसबाल रचना के विधा क्या है? विकल्प ए हो जाएंगे कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प डी 1969 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक हैं? विकल्प बी जनेंद्र कुमार। नीलम देश की राजकन्या किस द्वीप की कहानी है? विकल्प सी नीलम का द्वीप। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? विकल्प ए कमलेश्वर। कमलेश्वर की कहानी नहीं है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वापसी कहानी के लेखिका कौन है? विकल्प बी उषा प्रेमदा। उषा प्रेमदा की कहानी है गुलाब के फूल, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। अभिशप्त कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प ए यशपाल जी। यशपाल द्वारा रचित कहानी है, विकल्प बी ज्ञानदान। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो साहब बड़ी जायदती है, कहां तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि उन्हें कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे, यह कथन राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र का है? विकल्प बी दरोगा जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? विकल्प बी राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मुनी मोबाइल किसका उपन्यास है? विकल्प ए प्रदीप सौरभ। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित लाल सागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो विकल्प ए सूरदास। आज का अंतिम प्रश्न है मॉडल पेपर वन का, तीसरी सता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो विकल्प ए गिरिराज किशोर। यह था मॉडल पेपर वन। इसी टाइप का मॉडल पेपर आपको 10 कंप्लीट होगा, आज मॉडल पेपर वन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलते होंगे। अब इसी टाइप का करिए, मेरा प्रैक्टिस सेट मैंने कि 20 टेस्ट मैंने पहले करा चुका हूँ और ये लगभग 21वां सेट है। इसी प्रकार आपको 10 सेट मिलेगा, वर्क 1 से 10 तक और मिलेगा, मैंने टोटल 30 टेस्ट आपको पीडीएफ का फॉर्म मिलेगा। आप टेस्ट दीजिए, कभी भी पढ़िए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में देखिए, जब ये पीडीएफ मिलेगा साथ में आपको आंसर भी इस टाइप का रहेगा कि आप टेस्ट देने के बाद अंतिम में आंसर भी मैच करा कर सकते हैं। तो ये सारे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिन्हें भी चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।